हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी है पोहा कटलेट। इसको बनाना बहुत आसान है। ये सुपर टेस्टी एंड क्रंची बनता है। इसको आप सिंपल इंग्रेडिएंट से बना सकते हो जो आपका किचन में इजीली अवेलेबल हो। तो चलिए बनाते हैं पोहा कटलेट। पोहा कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम पोहा, ग्रेटेड कैरेट, अनियन, ग्रीन चिली, ग्रेटेड जिंजर, मिंट लीव्स एंड ब्रेड, ऑयल, दही, ब्रेड क्रम्ब, कॉर्नफ्लोर पाउडर। मसाला में हम लेंगे हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला एंड चिली पाउडर। तो ये है आज का रेसिपी का इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हम पोहा को अच्छे से वॉश करके निचोड़ के ले लेंगे। अभी हम ब्रेड को भी भिगो के निचोड़ के ले लेंगे। अभी हम इसमें वेजीज ऐड करेंगे। आप आपका चॉइस का कोई भी वेजीज ऐड कर सकते हो। वेजीज में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ग्रेटेड कैरेट, फाइनली चॉप्ड ऑनियन, ग्रीन चिलीज, ग्रेटेड जिंजर एंड मिंट लीव्स। सारा इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 2-3 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर पाउडर, 1/2 कप ऑफ दही, 1/2 कप। मसाला में हम ऐड करेंगे नमक, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, चिली पाउडर, जीरा एंड चिली पाउडर, चाट मसाला। आप आपका चॉइस का कोई भी मसाला ऐड कर सकते हो। अभी हम सारा इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके एक डो बना देंगे। अभी डो बन के रेडी है। अभी हम कटलेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। हाथ में थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करके कटलेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं स्क्वायर शेप का कटलेट बना रही हूँ। आप आपका चॉइस का कोई भी शेप का कटलेट बना सकते हो। अभी कटलेट्स बन के रेडी है। अभी हम इसको फ्राई करेंगे। अभी हम कॉर्नफ्लोर का एक बैटर बनाएंगे। यहाँ पे मैं 2-3 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर पाउडर, 3-4 टेबलस्पून ऑफ वाटर ऐड करके एक रनी कंसिस्टेंसी का बैटर बना दूंगी। हमारा बैटर अभी तैयार है। टेस्ट के लिए आप पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर देंगे। पैन में हम 2-3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल ऐड करेंगे एंड कटलेट्स को फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैं कटलेट्स को सैलो फ्राई करूँगी। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हो। सबसे पहले मैं कटलेट को कॉर्नफ्लोर का बैटर में डिप करूंगी, देन इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट करूंगी एंड फ्राई करूंगी। इस तरह हम सारा कटलेट को फ्राई करेंगे। एक साइड को हम 1-2 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। दूसरा साइड को भी हम 1-2 मिनट तक पकाएंगे। अभी हमारा कटलेट्स बन के तैयार हो गया है। अभी हम इसको सर्व करेंगे।
अभी कटलेट्स बन गया है, इसको आप ग्रीन चटनी या टमाटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हो। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।